हम कल्चर का जितना महात्म्य देते हैं 21वीं सदी के विजन को भी आगे बढ़ाने के पक्ष में है। जरूरी नहीं है कि पुराना सब तोड़फोड़ करके ही नया बनाया जा सकता है। जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कान बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं। प्रचंड विजय हासिल कर जब महीने भर बाद नरेंद्र मोदी काशी लौटे तो पूरी धर्म नगरी उनकी एक झलक पाने को जैसे उमड़ पड़ी। मोदी इससे पहले 26 अप्रैल को नामांकन करने काशी आए थे, तब पीएम ने विशाल रोड शो किया था। अब महाविजय के बाद काशी पहुंचे मोदी ने लोगों को धन्यवाद दिया। मोदी ने पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर की 7 किलोमीटर की दूरी कार से पूरी की। इस दौरान रोड के दोनों तरफ लोग उनके स्वागत में खड़े थे, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। दिन सोमवार का था, यानी शिव आराधना के लिए शुभ दिन। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया, पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा की। मोदी ने भगवान शिव को 303 कमल के फूलों की माला चढ़ाई। माला बना हुआ था कमल के फूल का, तो 303 यानी तीन माला का 303 विजय हासिल हुआ विश्वनाथ की कृपा से। बहुत अभिभूत होकर के उन्होंने पूजा किया, आरती किया, उसके बाद में पुष्पांजलि किया, फिर उनको प्रसाद अर्पण किया गया। शिव आराधना के बाद मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। पीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला केंद्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मन की बात की, जीत के लिए कार्यकर्ता और जनता का आभार जताया। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था, और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था। पीएम मोदी ने कहा कि काशी सहित पूरे देश में बीजेपी की महाविजय के पीछे कार्यकर्ताओं की जबरदस्त मेहनत है, जिन्होंने सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाया और उनका भरोसा जीतने के लिए जी जान से जुटे रहे। एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्यकर्ता जुड़ जाता है, कार्य प्लस कार्यकर्ता, वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है। पीएम मोदी ने काशी की अपनी कर्म भूमि से कहा कि बीजेपी की जो छवि बनाई और बताई जाती है वो सही नहीं, बीजेपी का जो परसेप्शन बनाया जाता है वो सही नहीं, लेकिन पारदर्शिता और परिश्रम दो ऐसी चीजें हैं हर परसेप्शन को परास्त करने का साहस रखते हैं। आज हिंदुस्तान ने ये कर दिखाया है। पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितनी ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं, और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने काशी की कर्म भूमि में ऐलान किया कि हम भारत की महान विरासत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर किसी को शर्म आती है तो आए हम इसी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। हमारे देश में पूजा पाठ में 125 रुपये का महत्व है, सब है, लेकिन फिर भी भीम ऐप बना करके मोबाइल फोन से डिजिटली डोनेट करने की परंपरा हम विकसित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमारा 21वीं सदी का एजेंडा प्राचीन गौरव को बचाने के साथ ही विज्ञान के शिखर की तरफ कदम बढ़ाना है, तभी हम कामयाब कहलाएंगे। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है। औरों को शर्म आती हो आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है। काशी की महज 5 घंटे की यात्रा के जरिए पीएम मोदी ने अपनी नई सरकार के एजेंडे के बड़े संकेत दिए हैं। मोदी ने 21वीं सदी के भारत की वो तस्वीर सामने रख दी है जिसके लिए उनकी सरकार दिन रात काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।